सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इसके शेयर और फ्लिपकार्ट की फिर से बिग बिलियन डेज की जो सेल है वापस आ चुकी है। हर साल जो सेल जो लाते हैं नवंबर अक्टूबर के टाइम में, वो सेल उनकी फिर से वापस आ चुकी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाले, और मतलब एक्सचेंज ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI और 70% पे करके बाद में भी आप पे कर सकते हो। ऐसे भी कुछ बहुत से अच्छे अच्छे ऑफर्स है ये बिग बिलियन डेज में, और स्मार्टफोन पे स्पेशली स्मार्टफोन पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में कुछ मैं गिने चुने स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपके पॉकेट मनी में और काफ़ी उन पे अच्छे डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाले। तो ऐसे स्मार्टफोन के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी डिस्काउंट वगैरह है मैं फेसबुक पे इंस्टा पे डालते रहता हूँ स्टोरीज में वगैरह। तो इंस्टा और फेसबुक के पेज को फॉलो कर, इंस्टा का पेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी ID और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंस्टा और फेसबुक के पेजेस की, तो पेजेस को फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते, देखते हैं कि कौन से डिस्काउंट हमें कौन सी प्राइस में कौन से फोन्स देखने के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से ऑफर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं स्मार्टफोन पे, डिस्काउंट कितना देखने के लिए मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पे, तो बिग बिलियन डेज की जो सेल है उसमें कितना डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है उसी के बारे में हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स काफ़ी है उसमें, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ओके गाइज, सो लेट्स गो फॉर इट। तो बाय द वे गाइज, ये हमारे चैनल का ये है सब्सक्राइबर दिखा रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। फ्लिपकार्ट पे आने के बाद आपको कुछ इसका UI जो है ऐसा लगेगा, यूज़र इंटरफेस। जो भी फ़ोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब जो भी मैं रिकमेंड फ़ोन करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से जो अच्छे फ़ोन है उन फ़ोन्स की लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उन फ़ोन्स को परचेस कर सकते हो, वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो उन सारे फ़ोन्स के बारे में। कुछ लिंक्स मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फ़ोन्स है वो मैंने कुछ खुद से निकाले हैं, और फेसबुक के पेज पे भी हमारे डाल दूंगा। फेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो करना मत भूलना, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपका बजट अगर 7000 से 10000 का बजट है तो आपको C11, C12 और C15 के जो तीन रियलमी के से फ़ोन्स है वो आपको देखने के लिए अच्छे हैं, मतलब वो फ़ोन आप चेकआउट कर सकते हो, वो फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। रियलमी नार्जो 20 प्रो जो है वो फ़ोन आपको 15000 में मिलने वाला है, यानी कि एग्जैक्ट 15000 में आपको देखने के लिए मिलेगा 14999 रुपीज़ में, और उसमें आपको 65W का सुपर डार्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। मतलब 15000 के बजट में आपको 65W का चार्जर मिल रहा है गाइज, ये काफ़ी अच्छी बात है गाइज। मतलब इस फ़ोन को भी देखो, यहाँ पे बहुत से ऑफ़र्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं, दूसरे कोई भी ऑफर्स हम देखने वाले नहीं हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं उसके बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा दूसरे ऑफर्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम स्मार्टफोन के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप वीवो V20 देख सकते हो गाइज, यहाँ पे डिस्प्ले पे ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है वीवो V20 जो है अभी लॉन्च होने जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, ये आप देख सकते हो। इसका लैंडिंग पेज भी आप देख सकते हो, वीवो V20 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस सेल्फी का जो कैमरा है, इसका फ्रंट कैमरा, और इसकी सारी डिटेल्स जो है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी वीवो V20। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीवो V19 का अपग्रेड है ये, तो इसके बारे में आप आके देख सकते हो। तो अभी सीधा हम चलते हैं हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे सीधा डिस्प्ले पे ही दिखा रहा है SBI डेबिट कार्ड का जो है 10% डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऑफ़र में आपको एक डेबिट कार्ड रखना ज़रूरी है SBI का। तो अभी चलते हैं मोबाइल्स पे, मोबाइल्स पे आने के बाद आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे बिगेस्ट डील्स ऑन स्मार्टफोन दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे SBI का डेबिट कार्ड है उस पर 10% डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स एक्सचेंज ऑफर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, 10% डिस्काउंट आपके SBI के जो भी कार्ड है उस पर देखने के लिए मिलने वाला है। अर्ली एक्सेस मिल सकता है प्लस मेंबर्स को, अगर आपने प्लस मेंबरशिप परचेस नहीं की तो प्लस मेंबरशिप भी परचेस कर सकते हो, तो अर्ली एक्सेस प्लस मेंबर्स के लिए एक दिन पहले मिल जाएगा, जो कि मैं हूँ। तो यहाँ से अभी शुरू करते हैं बिगेस्ट लॉन्चेस। ओके गाइज, बिगेस्ट लॉन्चेस में अगर आप देखो तो यहाँ पे पहला तो वीवो V20 ये लॉन्च हो रहा है फ़ोन, इसके बारे में हमने बात कर ली है। दूसरे बात करें तो मीट द न्यू गूगल पिक्सल 4a भी गूगल का जो फ़ोन है 6GB और 128GB का जो है 30000 में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये भी फ्लिपकार्ट लॉन्च कर रहा है इसी सेल के दरमियान। और यहाँ पे मोटोरोला रेजर
मोटरोला रेजर 5G अल्ट्रा प्रीमियम फ्लिप डिज़ाइन जो है, फ्लिप का नया फ़ोन मोटरोला का जो आया है, वो भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। EMI नो कॉस्ट EMI पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो, नो कॉस्ट EMI पे भी। और यहाँ पे भी देख सकते हो गैलेक्सी S20 FE, ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ये भी परचेस कर सकते हो इस बिग बिलियन डेज की सेल के दरमियान। तो नीचे आते हैं गाइस, तो ये है देखो 11,000 यानी कि 10 से 15,000 का जो बजट है जिन लोगों का, उनके लिए ये Realme 7i काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 16 अक्टूबर की इसकी सेल है और ये 64 मेगापिक्सल का फ़ोन है। क्वाड कैमरा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, 12,000 को ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके अगर डिटेल्स के बारे में बात करें गाइस, तो इसमें आपको देखो 4GB 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 16.51 इंचेस की आपको HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 के प्रोसेसर के साथ में ये आता है और 5000mAh बैटरी भी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो 18W का चार्जर भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 11,000 और 15,000 के बीच में का जो बजट है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 90Hz का डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, 64MP का कैमरा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हो गया 11,000 से 15,000 के बीच में का बजट का। दूसरा अभी देख सकते हैं गाइज, अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 के बीच में है तो फुल ऑन एनर्जी विद 6000mAh बैटरी के साथ में सैमसंग का गैलेक्सी F41 फ़ोन आता है। ये इसमें भी आपको 64MP का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें हैं तो इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो गाइज। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो 6GB RAM 64, यहाँ पे जो भी इसके डिटेल्स है यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। तो 15,000 से 20,000 के बीच में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, पोको का C3 जो फ़ोन है ये नया लॉन्च हो चुका है, मतलब नया लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो ये जो फ़ोन है आपको दो बजट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो बजट रेंज जो स्टार्ट होती है 7,000 के बीच में की, तो उसमें ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि पोको C3 13MP का ट्रिपल कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, 3GB 32GB का वेरियंट जो है 7,500 में मिलेगा और 4GB 64GB का जो वेरियंट है वो आपको 9,000 में देखने के लिए मिलेगा। इसके भी डिटेल्स आप आके चेकआउट यहां से कर सकते हो और इसके भी अच्छे अच्छे, मतलब 13MP का कैमरा, HD+ डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, G35 प्रोसेसर, मतलब ये सभी चेकआउट कर सकते हो आपके खुद से। और जो हाईलाइट है गाइज, मतलब अगर आप प्रीमियम फ़ोन अगर आप देखना चाहते हो, इनकी तरफ से एक नया फ़ोन भी लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, ये है Mi 10 सीरीज़ का। 10T जो सीरीज़ है वो भी फ्लिपकार्ट की तरफ से लॉन्च हो रही है। 144Hz का इंटेलिजेंट डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। ये लॉन्च हो रहा है 15 अक्टूबर को 12 बजे और इसमें आपको कैमरा भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है, 108MP का अल्ट्रा प्रिसीजन कैमरा। और इसके डिटेल्स आप आके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे इसका लैंडिंग पेज है फ्लिपकार्ट पे, वो इस पे आप यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। 144Hz का डिस्प्ले और ब्रांड न्यू डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, और इसमें तो इसमें आपको 865 का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। ये प्रीमियम वाला प्रोसेसर होने वाला है, काफ़ी फास्ट प्रोसेसर होगा और काफ़ी अच्छी गेमिंग इसमें आप कर सकते हो। तो इसे आके आप चेकआउट कर सकते हो या फिर इसको भी ले सकते हो 15 अक्टूबर को। बाद में देखते हैं गाइस, जो टेक्नो का कैमॉन 16 है, मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन, 64MP का क्वाड कैमरा इसमें देखने के लिए मिलेगा, 11,000 में आपको मिल रहा है ये फ़ोन। जो कैमॉन 16 जो है वो आपको बजट में, एक कम बजट में एक अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिलने वाला है, 64MP का क्वाड कैमरा। और इसमें देखो गाइस, डॉट इन डिस्प्ले, मतलब डॉट इन का जो प्रोसेसर, हेलियो का G70 इसमें प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है और 18W का फास्ट चार्जर भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी फ़ोन आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे Infinix Hot 10, ये भी फ़ोन आप चेकआउट कर सकते हो। Infinix Hot 10 जो है 10,000 के बजट में आपको, यहाँ पे देख सकते हो 10,000 के बजट में आपको 6GB 128GB का प्रोसेसर, मतलब स्टोरेज का फ़ोन मिल रहा है। ये काफ़ी बड़ी बात है गाइस, मतलब 6GB 128GB का स्टोरेज आपको सिर्फ 10,000 में मिल रहा है। तो ये भी फ़ोन चेकआउट आप कर सकते हो, मतलब 6.8 HD+ डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो लेने से पहले एक बार टर्म्स एंड कंडीशन भी इसके पढ़ लेना। तो ये एक्सचेंज ऑफर में भी आपको ये सारे फ़ोन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाउ टू अवेल में यहाँ पे आके चेकआउट आप कर सकते हो, इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वीवो की बायबैक गारंटी की जो डिटेल्स है वो सारी इस पे यहाँ पे देख सकते हो। बेस्ट डील्स फ्रॉम शाओमी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मी का 10 है, मी 10 ये आपको 49,000 का फ़ोन गिरने वाला है, मतलब 59,000 का है लेकिन 10,000 का इसमें आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा। और देखते हैं रेडमी नोट 8, ये आपको 11,500 को देखने के लिए मिलेगा। रेडमी K20 Pro, जो कि 25,000 का फ़ोन है बट अभी ये 23,000 में आपको मिल रहा है, 25,000 के ऊपर ही है इसका बजट शायद,
तो ये आप देख सकते हो गाइज़, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स के अलग अलग। और गाइज़ हाँ, ये आपको सबसे बड़ा मतलब ये सबसे कम वाला चीप प्रोसेसर, मतलब 7,000 का आपका अगर बजट है, रियल सी 11, ये मेरा मतलब एक मैं खुद से रिकमेंड करूँ तो एक अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है, डुअल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये एक अच्छा कैमरा है मतलब इसमें देखने के लिए मिलता है। और ये आपको सिर्फ 7,000 रुपये देखने के लिए मिलने वाला है। 5,000 mAh की बैटरी है, अच्छा डिस्प्ले है, 13 megapixel का कैमरा है, नूपर सुपर नाइट स्कोप मोड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये फ़ोन भी एक काफ़ी अच्छा है, अगर 7,000 का आपका बजट है तो ये फ़ोन बिल्कुल ही बिल्कुल आप लेना कंफर्म, मतलब कंफर्म ही आप ये फ़ोन ले ही लीजिए। 7,000 का अगर बजट है तो 6,500 में मिल रहा है, मुझे अच्छा लगता है। और भी देखते हैं पोको X3 जो है, ये फ़ोन आपको 19,000 का मिलता है, बट ये अभी 17,000 का मिल रहा है। इस पर भी ऑफर मिल रही है आपको, स्नैपड्रैगन का 730G आपको देखने के लिए मिलेगा 6,000 mAh के बैटरी के साथ में। रियलमी C12 जो है गाइज, ये फ़ोन भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन है और ये 9,000 में मिल रहा है, तो ये फ़ोन भी आपको एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइज। 332GB का जो स्टोरेज इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा और 13 megapixel का कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, 6,000 mAh की बैटरी, G35 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिला, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है। तो पोको X3 17,000 और रियलमी C12 8,000 में आपको देखने के लिए मिलेगा। पोको M2 जो है ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 6GB का, अप टू 6GB इसमें देखने के लिए मिलेगा और 13,000 में आपको मिल रहा है 720G प्रोसेसर के साथ में, 5,000 mAh बैटरी, तो ये भी फ़ोन आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है अगर आपका 15,000 के नीचे का बजट है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। रियलमी 7 के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 11 से 15,000 के बीच में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। रियलमी 7 प्रो भी काफ़ी अच्छा है, रियलमी 7 प्रो और रियलमी 7 दोनों में से एक कोई भी चेकआउट कर सकते हो। रियलमी नार्जो जो है गाइज, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें आपको रियलमी नार्जो 20 जो है 11,000 में आपको देखने के लिए मिलेगा, 10,500 में, 48 megapixel का ट्रिपल कैमरा, 6,000 mAh की बैटरी, ये भी आप फ़ोन चेकआउट कर सकते हो। और 10,000 के बीच में गाइज ये नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है फ्लिपकार्ट, रियलमी C15 जो है 8,500 का फ़ोन लॉन्च कर रहा है। तो गाइज अगर बात करें 7,000 से 10,000 के बजट में आपको रियलमी C15, रियलमी C12 और रियलमी C11, ये तीनों के तीनों फ़ोन ही अच्छे हैं, तीनों फ़ोन को आप चेकआउट कर सकते हो। पोको X2 भी है, पोको X2 पे भी ऑफर मिल रहा है। रियलमी 7 प्रो भी गाइज देख सकते हो, 21,000 का फ़ोन है ये आपको 20,000 में, इसमें आपको 1,000 का ऑफर मिल रहा है। ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसका आर्टिकल मैंने लिखा था, उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे पेज पे जाके, वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन के बारे में बात करें तो पोको M2 है 6GB और 64GB, यानी कि 6GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिल रहा है, 6.53 फुल HD प्लस इसमें डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा, 5,000 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए इसमें मिलेगी, तो ये एक अफोर्डेबल फ़ोन है आपको 10,000 के बजट में, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइज। और गाइज रियलमी नार्जो 20 प्रो, तो ये जो फ़ोन है गाइज रियलमी नार्जो 20 प्रो, तो इसमें आपको 65W का सुपर डार्ट चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा हीलियो G95 प्रोसेसर के साथ में, 15,000 के बजट में ये आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 65W के चार्जर के साथ में आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है गाइज। रियलमी नार्जो 20 भी है, ये आपको 665 के साथ में दिखेगा। अगर आप फ़ोन के बारे में अगर फ़ोन लेना चाहते हो तो यही काफ़ी अच्छी सेल है, इसमें भी आप फ़ोन कंफर्म से कंफर्म ही लेना अगर आपको फ़ोन लेना है तो गाइस। तो काफ़ी सारे ऑफर, लंबा वीडियो हो रहा है, यहाँ पे आके आप अभी आपने देखा बहुत से फ़ोन्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और बायबैक ऑफर्स भी मिलने वाले हैं गारंटी के, और 70% आप फ़ोन्स को बाय कर सकते हो, मतलब एज लो एज प्राइस पे आपको देखने के लिए फ़ोन्स मिलने वाले हैं गाइज। और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स है, बहुत से फ़ोन्स मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइज CMP जो है, मतलब कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन, ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कुछ फ़ोन्स अगर यहाँ से परचेस कर सकते हो, 1 रुपये में आपको कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है गाइज। स्मार्ट अपग्रेड के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 70% आप अभी पैसे भर सकते हो और बाकी के जो पैसे बचते हैं, यानी कि जो भी प्राइस फ़ोन की है, 70% अभी भर के बाद में जो प्रोसेस 30% रहेगा वो बाद में इसे आप भर सकते हो। तो ये भी स्मार्ट अपग्रेड में अच्छे अच्छे जो है ऑफर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो एक्सचेंज योर ओल्ड स्मार्टफोन, अपग्रेड एक्सचेंज इन योर स्मार्टफोन और बिग लॉन्च ऑफ डे, मतलब काफ़ी सारे इसमें फ़ोन्स में कवर नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स है, फ्लिपकार्ट पे आके आप चेकआउट कर सकते हो और कुछ फ़ोन्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया उसके लिए सॉरी,
तो आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, डू व्हाट यू वांट, गो देयर द वे यू वांट, बाय गाइज़।